शिवपुरी अशोकनगर संसदीय क्षेत्र से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले वे गुना से शिवपुरी पहुंचे थे, जहां जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे तो उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही देशभक्ति की धुनों पर सभी नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे। हालांकि कार्यकर्ताओं को प्रांगण के अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन नामांकन दाखिल करते वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनकी धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी मौजूद रही। इस मौके पर मौजूद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से हेमंत करकरे जो कि शहीद हैं देश के, उनके ऊपर विवादास्पद टिप्पणी कर साध्वी प्रज्ञा ने की है वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को न सिर्फ शहीद के परिजनों से बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतना केवल एक लक्ष्य मात्र नहीं है, बल्कि वह पूरे भारत में बदलाव के संकेत को प्रदर्शित करता है। मीडिया यहाँ है, वो कहाँ गए? अरे बंद करो, मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने अपने गुना इस चुनाव के लिए मैंने नामांकन भरा है। मेरा सदैव एक रिश्ता इस क्षेत्र के साथ, आप सब लोगों के साथ, जन जन के साथ रहा है। मेरी एक ही ख्वाहिश रही है और वो है विकास और प्रगति। यह चुनाव केवल गुना का नहीं है, केवल शिवपुरी का नहीं है, यह चुनाव समूचे देश में एक बदलाव और एक न्याय लाने का चुनाव है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें सबसे ज़बरदस्त संकेत और निर्णय मध्य प्रदेश में सदैव गुना से आता रहा है और इस बार भी जरूर आएगा। जनता का आशीर्वाद रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी किसी की भी शहादत पर जिसने अपने इस देश के लिए जान दिया हो, उस पर अगर टिप्पणी किया जाए तो इससे निंदनीय बात नहीं हो सकती। मैंने स्पष्ट करके मैंने ट्वीट भी किया है इस विषय में। मैं तो मानता हूँ कि जिस व्यक्ति ने ये टिप्पणी की है, उस व्यक्ति को केवल अपना वक्तव्य वापस नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को उस शहीद के परिवार से और देश से माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने मुझे प्रताड़ित किया उन्हें भी माफ़ी। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि किसने क्या कहा। आपने मुझसे पूछा, मेरी भावना मैंने स्पष्ट कर दी। राहुल जी ने आज अमेठी से अपनी फॉर्म नहीं भरी है, राहुल जी ने अपने फॉर्म अमेठी से 10 तारीख को भरी है। आपकी आपकी आपके तर्क में कुछ कोई कठिनाई है? आपत्ति मैं था उनके साथ, पासपोर्ट को लेके मुझे नहीं मालूम कि उसमें फॉर्म में क्या भरा गया है। लेकिन राहुल गांधी जी भारत के नागरिक हैं, भारत की नागरिकता के आधार पर उन्होंने अपना नामांकन भरा है अमेठी में 10 तारीख को, मैं उनके साथ वहाँ मौजूद।